वेलकम टू क्लासिक फैशन ब्यूटीक। मैं आज आपके सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीए फर्स्ट ईयर का होम साइंस का पेपर लेकर आया हूँ। ये एग्ज़ाम होम साइंस का 22 जून 2022 को हुआ था। जैसे आप जानते हैं कोरोना के कारण सारे एग्ज़ाम लेट हो गए थे, इसी कारण ये पेपर थोड़ा सा लेट हुआ है। आप देख रहे हैं जो पेपर थर्ड है वो है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। ये पेपर 2 घंटे का था और ये मैक्सिमम मार्क्स है 75। आप देख ही रहे हैं दिशा निर्देश सब दिए हैं। पहला पेपर है, पहला पेज है, उसको आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम दूसरे पेज पर आ जाते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए, ये सेक्शन ए है, खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 3×3=9 मार्क्स, यानी 3 प्रश्न करने हैं प्रश्न एक में से। जैसे देख ही रहे दिशा निर्देश, इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न है, प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंक का है। इस खंड से किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द हैं। ए देखिए, सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया बताइए। बी देखिए, सेनेटिन बुनाई और सटिन बुनाई में अंतर बताइए। सी पैटर्न किसे कहते हैं। और आप आगे ध्यान से देखिए, अगला पेज जो है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय क्या होती है, कार्य सरलीकरण को परिभाषित कीजिए। अब आइए सेक्शन बी, खंड ब, ये 4×9 यानी 36, यानी आप जैसे देख ही रहे हैं कि सिर्फ आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का है, यानी 36 मार्क्स का है खंड ब, ठीक है ना। यानी प्रश्न दो में आप देखेंगे 7 प्रश्न हैं जिसमें से आपको 4 करने हैं। ए देखिए, 2A, कपास के, ध्यान से देखिए, कपास के वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया लिखिए तथा सूती रेशों की विशेषताएं बताइए। ध्यान से देखिए आप, चाहे तो मेरा वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न बी देखिए, ड्राफ्टिंग क्या होती है, सिलाई के सामान्य सिद्धांत बताइए। पैटर्न तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रश्न सी, लिनिन के वस्त्र किस प्रकार बनाए जाते हैं, लिनिन वस्त्र निर्माण प्रक्रिया को समझाकर लिखिए। डी देखिए, योजना किसे कहते हैं, योजना के तत्व बताते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ई देखिए, मूल्य, लक्ष्य और स्तर का गृह व्यवस्था में क्या महत्व है, तीनों का आपस में संबंध दर्शाने वाले वाला चित्र भी बनाइए। आगे देखिए आप अगला पेज, पेज नंबर 5, ध्यान से देखिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, आय के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति व्यवस्थापन को परिभाषित कीजिए तथा पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था से शक्ति का संबंध बताइए। आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन सी, खंड स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 15×2=30, यानी 2 प्रश्न करने हैं आपको और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, यानी कुल मिला के 30 अंक का हुआ। ध्यान से देखिए आप, है ना। आइए अब अगले पन्ने पर चलते हैं और प्रश्नों को देखते कि प्रश्न क्या थे। तो तीसरा प्रश्न जो है, ध्यान से देखिए, रेशों से आप क्या समझते हैं, वस्त्र उपयोगी रेशों का गुण का वर्णन कीजिए। तीसरे का बी देखिए, बुनाई से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की बुनाई के बारे में बताइए। तीसरे का सी देखिए, गृह व्यवस्था प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, किसी एक प्रकार का विस्तार वर्णन कीजिए।
डी देखिए संसाधन किसे कहते हैं, चाहे तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उनके प्रकार बताइए तथा संसाधन को प्रभावित करने वाले तत्वों का को बताइए। ये पूरा प्रश्न पत्र खत्म हो गया, ये 22 जून को हुआ है, 22 जून 2002 को हुआ है, नई शिक्षा नीति के तहत। धन्यवाद।